श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या जो राम मंदिर अपना बनना है उसके लिए निधि समर्पण अभियान चल रहा है, तो आपकी ओर से जो भी सहयोग आप निधि समर्पण में कर सके बता दीजिए। इलाके में क्या हो रहा है जी, अपना वो चंदा वंदा करने आते हैं रोज, जय श्री राम कहते चले आते हैं और चले जाते हैं, हम अपने कुछ नहीं कहते, हमें क्या वो अपने कर रहे हैं करते रहो। अगर श्री राम मंदिर के पर्पज से कोई योगदान देता है तो उससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है, एटलीस्ट हिंदू धर्म के लिए तो कोई और इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती। क्योंकि कुछ लोगों की तो सियासत है कि भाई यहाँ माहौल बिगड़े, कुछ लोग ना हिंदुओं में चाहते कि यहाँ झगड़ा हो ना मुसलमानों में चाहते। अभी हम हैं श्री राम मंदिर में जो वेलकम में पड़ता है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में, ये जानने के लिए, ये समझने के लिए कि जो निधि समर्पण का ड्राइव चल रहा है राम मंदिर बनाने के लिए अयोध्या में, ये कैसे चल रहा है। हम जिस मंदिर में अभी खड़े हैं ये संघ का कार्यालय है, 2002 से ये मंदिर 1974 में इसका निर्माण हुआ था, और यहाँ पर ही संघ के कार्यकर्ता मिलते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं और सुबह 7:30 बजे सब एक दूसरे से मिलते हैं और उनका काम शुरू होता है। मेरा नाम श्रवण है, मैं नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट का संघ का प्रचारक हूँ। अभी हमारे यहाँ पर सब लोग इकट्ठे होते हैं सुबह 7 बजे, हम एक जगह कोई स्थान तय कर लेते हैं, उसके अंदर 4-6 लोगों की टोली बना लेते हैं। टोली बना करके फिर हम बात करते हैं भाई आपको इस गली में जाना है, आपको गली नंबर 1 में, गली नंबर 2 में, गली नंबर 3 में जाना है। जय श्री राम। इंतजार कर रहे थे आपका। जी जी जी, चाय वाय पी के जाना। बिल्कुल बिल्कुल जी, क्योंकि फिलहाल तो हम जो जिस कार्य के लिए आए हैं वो पहले आपको दे देंगे, ठीक है। आप देखिए अपना श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के लिए अयोध्या के लिए निधि समर्पण अभियान के लिए इनको ये कह रहे हैं कि हमारे घर आओ और चाय पियो और हमारे घर में पैर डालो, श्री राम जी समझो जो सेवा कर रहे हैं हमारे घर में, श्री राम जी की वो समझो हमारे घर में भी भगवान ही आ गए हैं। अगर श्री राम मंदिर के पर्पज से कोई योगदान देता है तो उससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है, एटलीस्ट हिंदू धर्म के लिए तो कोई और इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती। देखिए वो तो करने वाला से पूछिए, वायलेंस हिंदू समाज की प्रकृति और संस्कृति नहीं है। बट क्या आप सेंसिटिव एरियाज में, जैसे मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज हो, नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट हो, उधर आप ऐसा है कि आप नहीं जाओगे कि कुछ ना हो? नहीं, हमारे लिए कोई परहेज नहीं है किसी से। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि पिछले 60-70 सालों में बड़ा अजीब सी बात है कि भाई देश के अंदर जहाँ मुसलमान रहते हैं वो सेंसिटिव एरिया है और सेंसिटिव एरिया से हिंदू नहीं जा सकता, लेकिन जहाँ हिंदू बहुतायत में रहता है उस एरिया से कोई भी आराम से आदमी निकल जाता है। अब हमने नज़दीकी से तो देख लिया कि निधि समर्पण जो राम मंदिर के लिए हो रहा है अयोध्या में वो किस तरीके से हो रहा है। अब हम कोशिश करेंगे कि सीलमपुर डिस्ट्रिक्ट में जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में है, जहाँ पे दंगे हुए थे 1 साल पहले, वहाँ के जो मुसलमान हैं, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, उसको इस राम मंदिर डोनेशन ड्राइव की वजह से क्या उनको कोई दिक्कत हो रही है या नहीं, देखते हैं कि उनको क्या कहना है। माहौल रहा है इस महीने में पूरा? माहौल क्या है, लोग डरते हैं, अपने घरों में चले जाते हैं, और ये है जी, इसमें जब आदमी जय श्री राम कहता हुआ चला आता है गलियों में जाते हैं तो हम तो सब हट जाते हैं और अपने घरों में चले जाते हैं। मेरा मानने का है राम एक भगवान थे, और भगवान के नाम पे किसी को डराना ये मैं सही नहीं समझता, क्योंकि जय श्री राम के नारे लगाओ तो एक इंसान के दिल में खौफ सा बढ़ जाता है कि यार ये दंगे के लिए तो नहीं हो रहा है। राघव तो मुझे बताओ कि हमारा ऑनलाइन क्लास चल रहा है और ये भी चल रहा है, तुम कैसे दोनों चीजें कैसे करते हो? इसमें ना अपना जो टाइम रहता है वो फिक्स रहता है, क्योंकि उसके बाद जैसे हम अगर घरों में भी जाते हैं तो फिर लोग फिर जैसे हम 10 बजे के बाद में या 10:30 के बाद में मिलना कम होता है, क्योंकि उस समय फिर सभी ड्यूटी वगैरह चले जाते हैं अपने काम पर, तो उससे पहले का समय रहता है तो उस समय हम करते हैं और बाद में दिन में अपनी पढ़ाई करते हैं। तुम 17 साल के जी,
तुम्हारे मतलब कोई बोलता नहीं है कि तुम्हारी तुम्हारा पढ़ाई से अफेक्टेड हो रहा है, इतना घंटा बाहर मत रहो, ऐसा कोई कुछ बोलता ना? वो ना बोलते जब हम पढ़ाई ना करें, कोई और काम करें। जो राम मंदिर बनना है उसके लिए पैसों की कलेक्शन हो रही है, तो हमें जैसे ही पता चला कि कलेक्शन में हम भी अपना कुछ योगदान दे सकते हैं, तो हम तुरंत यहाँ पे आ गए। सुबह हम 6:30 बजे उठे। 10 रुपए से लेकर के 10 रुपए है, उसके बाद में 100 रुपए है और फिर 1000 रुपए है। उसके बाद में हम जो है उनसे चेक लेते हैं और उस चेक की पूरी डिटेल हम एक दूसरी हमारे पे बुक है उसके अंदर भरते हैं। अप्रोक्सीमेटली सर एक दिन एवरेज पे कितने आप निधि समर्पण कर पाते हैं? इसका कोई ऐसा आंकड़ा नहीं हम बता सकते, फिर भी लगभग 15-20 लाख रुपए पर डे का है। अच्छा। पूरा डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के अंदर। आस्था के साथ एक मजाक सा बनाया जाता है। राम मंदिर बनने आया अच्छी बात है भाई, अपनी श्रद्धा है उनकी, अपनी एक पूजा करने की जगह बन रही है, उसको लेके जय श्री राम के नारे लगाना मैं इसको सही नहीं समझता। ये जो राम मंदिर का ड्राइव है इसमें क्या हो रहा है पिछले? कुछ भी नहीं हो रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं किसी को, जो कर रहे हैं लेकिन सच्चे दिल से करें, कोई परेशानी नहीं। भावनाएं गलत लेके आते हैं वो गलत है बात।